हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल गेमिंग गुरुकुल लाइव में, जहां पर हम सब जाएंगे विजुअल स्पेक्टेकल्स गेम की राइड पर। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके गाइस, हम से खेल रहे हैं हम सबके दिल के करीब एकदम बैड एस हार्डकोर ओपन वर्ल्ड गेम GTA 5। और ये है हमारा इस गेम का कैरेक्टर माइकल। तीन कैरेक्टर है दोस्तों, ट्रेवर, माइकल और फ्रैंक। तो अभी ये जो गाड़ी चला रहा बंदा, ये है इसका नाम माइकल। ये हमारे गेम का एक समझ सकता हूँ तो मतलब हिला देने वाला बंदा। ये एक फैमिली मैन है और सारे अंडरवर्ल्ड वाले काम ये कर रहा है और है ये बेसिकली एक फैमिली मैन। ठीक, और फिलहाल अभी गाड़ी पुलिस वाले से पूछते हैं, भगाओ गाड़ी, भगाओ गाड़ी के अंदर पंजर अभी भी नहीं हो। गाड़ी में मुझे एक बक्सा सा दिख रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये बंदा जो है ये फैमिली मैन है, इसकी अपनी बेटी है, एक बेटा है और एक पत्नी है। तो इसकी फैमिली, अरे पूरे गेम में तो यही कैरेक्टर है जिसकी एक फैमिली है, मतलब भी बच्चे, बाकी सब रंडवे हैं, कुंवारे हैं, सबके सब अकेले हैं। यही बंदा है अकेला, हम दो, हमारे पिता का सिद्धांत है परिवार नियोजित कार्यक्रम में शामिल, और किसी बंदे के पास होने के लिए सबसे ज़्यादा है, मतलब ना फ्रैंकलिन के पास होने के लिए बहुत ज़्यादा है, ना ट्रेवर के पास तो कुछ भी नहीं। फ्रैंकलिन के पास फिर उसकी माँ है जिसको कुछ खास नहीं करता, लेकिन है ठीक। वैसे ही फ्रैंकलिन भी अपनी माँ को बहुत पसंद करता है, लेकिन ट्रेवर के पास होने के लिए ट्रेवर एकदम अकेला नजर आती है। तो ये तो गाड़ी उड़ा दी, हो क्या घूमी है, क्या पलटी है, क्या टक्कर मारा था, हर तरफ मुझे पुलिस वालों ने घेर लिया है। मैं कहाँ से निकलूँ, कैसे निकलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस गाड़ी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका पिकअप बड़ा खराब है। जाहिर सी बात है ये SUV क्लास है और मुझे पता नहीं ऐसे गाड़ियों के बारे में ज़्यादा कुछ, लेकिन शायद SUV क्लास की गाड़ियों का पिकअप खराब है। तो अभी मुझे गाड़ी पुलिस से बचना है और 3 स्टार हो गया है और ऊपर हेलीकॉप्टर ही मंडरा रहा है और मेन वही दिक्कत है हेलीकॉप्टर। तो अभी दोस्तों मुझे हेलीकॉप्टर को चकमा देते हुए इन सब से बचना है और 3 स्टार जो ये है इसे गायब करना है। और अभी हम देखते हैं इसे कैसे गायब मैं कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे इन लोगों से छुपने के लिए या तो इनसे बहुत दूर जाना है, लेकिन ये 3 स्टार हो चुका है और पूरे शहर में पुलिस फैल गई है, इसलिए इन लोगों से इस गाड़ी में दूर जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी देखिए मैं ये कोने में जो 3 स्टार थे वो ब्लिंक कर रहे हैं, देखिए ब्लिंक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं इनके रडार से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जाऊँ पाऊँ, क्योंकि दोनों तरफ से पुलिस आ रहे हैं, पुलिस आ रहे हैं और अब मैं फिर से पकड़ा गया। अब क्या करें, यही पॉइंट होता है जब 3 स्टार हो जाए ना, तब पुलिस पूरे शहर में फैल जाती है, बचने के लिए आपको कोई रास्ता रास्ता नहीं होता। ऊपर से ये गाड़ी, मुझे लग रहा है इसका एक टायर पंचर भी हो चुका है और ये कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसी गुफा में वगैरह में चला रहा हूँ, मतलब टनल में, यहाँ पर रेलवे के टनल है कुछ, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और सोच रहा हूँ उस टनल में पहुँचा। ये फिर से देखिए 3 स्टार ब्लिंक हो रहा है और मुझे फिर से इनसे बचना है। ओहो, ये तो गाड़ी पलट गई, अरे यार सीधा सीधा जा, अरे नहीं ये 3 स्टार ब्लिंक खत्म करके, अरे यार फिर से पकड़ा, लेकिन वो पलटती है ना गाड़ी तो मैं निकल जाता, क्या करूँ अब, फिर से उनको चपा जाना पड़ा, चपना देना बहुत मुश्किल काम है। ये देखो गाड़ी में टेढ़ी हो जाएगी मेरे को लगता है, लेकिन गाड़ी है तो सब कोई फिलहाल मुझे यहाँ से निकल कर, अब मैंने फैसला कर लिया, मुझे लगता है ना कोई टनल में जाना पड़ेगा, और भी जा रहा है टनल में, अगर आप चले जाते हैं तो मतलब टनल एक बेसिकली छुपने का सबसे बेस्ट रास्ता है। टनल में एक बार आप चले जाओगे तो 3 स्टार ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और पता नहीं क्यों पर पुलिस टनल में ढूंढने नहीं आती, कारण तो मुझे नहीं पता लेकिन वो ढूंढने नहीं आती। तो अभी मैं टनल में जाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ टनल है कहाँ। जहाँ तक मुझे याद है टनल शायद वेस्ट की तरफ, मुझे मिल नहीं रही है, देखते हैं। जो हमारे टनल्स भी शायद नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है, सड़कों पर पुलिस फैली हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं। और जैसे ही मैं स्पीड गेन करता हूँ कोई ना कोई हाई, ये देखो वो चला लिया गया पीछे, और पुलिस की गाड़ियाँ तो 3 स्टार से बहुत ही खराब रेटिंग है, 4 स्टार में तो वो हो जाता है, 4 स्टार में चारों तरफ लिट्टी वाले दिखते हैं, और 5 स्टार में आज तक अभी गया नहीं हूँ और जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं स्पेशली बैठ गया था ये सोच के कि आज तो 5 स्टार जाना ही जाना है और मैंने बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं गया नहीं, बहुत मारा, बहुत लोगों को उड़ा दिया, बहुत तबाही बचाई, चाहे से हमारे चीज कोर्स भी बहुत समान से दोस्ती, लेकिन उसके बावजूद मैं मरा नहीं, मैं बस किए जा रहा था खेल, मैं मर नहीं रहा।
तो और ना ही क्या नाम है 0.5 स्टार रेटिंग हो रही थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था 5 स्टार रेटिंग को अचीव करना। खैर छोड़ो, जो भी है इससे ये तो साबित हो गया कि 4 स्टार में ही बैंड बच जाती है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ, ये रूट ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अभी मैं समझ में आ गया है। वो रहा टनल। और अभी ये मुड़कर मैं उस समय जाकर नहीं सकता, वहाँ से घूम कर उस पोस्टर के पीछे पीछे से निकल कर वहाँ जाना पड़ेगा। चलो तो कुछ पता नहीं है, अभी मुझे घूमना होगा, एकदम बैक स्प्रिंट मारना होगा। ओहो, घूम जा घूम जा। ठीक है, ओके दोस्तों, अब बस काम हो ही गया है, अब ये टनल के अंदर जाना है। ओके, आखिरकार भैया टनल के अंदर आते ही ब्लिंक होना शुरू हो गया, और पुलिस की गाड़ी मुझे दिख रही है। ये टनल का चक्कर, पहले मैं टनल में बस उस दिन मैं गलती से घुस गया था, लेकिन इस बार जान मुझे घुसा हूँ, उस टाइम पर भी ऐसे ही टनल में घुस गया और टनल में मैंने गाड़ी रोकी, देखा देखता हूँ कौन आता है, लेकिन कोई आया ही नहीं, और थोड़ी देर बाद सब खत्म हो गया, सारे स्टार गायब हो गए, पुलिस ने ढूंढना बंद कर दिया, और मैं फिर वापिस चला गया अपने लोकेशन की तरफ। तो बेसिकली इस मिशन में दोस्तों हमें ना कुछ हथियार चुराने थे बहुत बड़ी चोरी के लिए, और वो चोरी हम लेस्टर के साथ मिल के करेंगे। तो लेस्टर की चोरी के लिए हमने वेपन्स चुरा लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं लेस्टर के पास इन वेपन्स को लेकर, क्योंकि जो पुलिस की जो 3 स्टार रेटिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है, बस सही सलामत अब हम वहाँ लेस्टर के पास पहुँच जाएँ, क्योंकि लेस्टर के पास जाने के लिए यही एक गाड़ी है, हम किसी और गाड़ी में लेस्टर के पास चल सकते हैं, क्योंकि सामान इसी गाड़ी में है, उससे किसी और गाड़ी में शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इसी गाड़ी को संभाल कर लेस्टर के पास लेके जाना है, ये रास्ते में गाड़ी बम ना कर जाए। ओके ओके, मैं काफ़ी दुख करके पहुँच रहा हूँ, और हाँ थोड़ी देर में अब हम लेस्टर के पास पहुँच जाएंगे, ये हमारा बेहतर वाला ये गाड़ी तो मुझे काफ़ी हद तक ना अपनी वो हार की जैसे लगती है, इसलिए मैं ये काफ़ी सारी है, और ये हो गया पूरा। All right, Lester. I got us the tech team right this. All right, the score is ready to go. Come inside and meet the crew. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन में जाके ऑल के घंटे को जोर से दबाइए, चैनल को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अच्छा लगा या बुरा लगा बताइए, इसे शेयर कर दीजिए, इसे फैला दीजिए चारों ओर। So,